हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं हूँ सिद्धार्थ शर्मा और मैं आ चुका हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आपके पास। जैसे कि आप और मैं सब जानते हैं, इंडिया की शान माने जाने वाली कार महिंद्रा थार है, जो कि इंडिया की सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल लाइफस्टाइल व्हीकल है। अब ये लाइफस्टाइल व्हीकल और भी ज़्यादा अफोर्डेबल हो चुकी है। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, ये और भी ज़्यादा अफोर्डेबल हो चुकी है। जिससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ आगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। बात करते हैं अपन महिंद्रा थार के बारे में। महिंद्रा थार ने अपना न्यू वेरिएंट लॉन्च किया, महिंद्रा थार रियल व्हील ड्राइव। इसके अंदर दो चीज़ें चेंज करी गई हैं। पहला, जो इसका डीजल इंजन है उसकी साइज़ को रिड्यूस कर दिया है। दूसरा, इसके अंदर से 4x4 सिस्टम हटा दिया गया है। जो इसके अंदर डीजल इंजन है वो D117 1.5 लीटर का डीजल इंजन देखने को मिलेगा, जो कि 117 bhp और 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ देखने को मिलेगा आपको। इसके अंदर कोई भी आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं मिलेगा। अगर आपको ऑटोमेटिक लेना है तो आपको पेट्रोल लेना पड़ेगा। ये वही डीजल इंजन है जो कि आपको XUV300 में देखने को मिलता है। अब इससे एक फ़ायदा ज़रूर हुआ है, जो महिंद्रा थार है उसकी जो माइलेज है वो इतनी अच्छी नहीं थी, अप्रॉक्स 12 के आसपास अपन को देखने को मिलती थी। बट अभी 300 का इंजन आने के बाद इसकी जो आपके माइलेज है वो काफ़ी अच्छी मिलेगी। अप्रॉक्स 19 किलोमीटर की माइलेज आपको देखने को मिल सकती है, जो कि काफ़ी बड़ी बात है एक थार ओनर के लिए। बात करते हैं अपन पेट्रोल के बारे में। जो इसका पेट्रोल इंजन है वो 2.0 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन है, जो कि सेम पावर प्रोड्यूस करता है, 150 bhp और 320 nm टॉर्क, जो कि 6-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ देखने को मिलेगा। इसके अंदर कोई भी मैनुअल का ऑप्शन नहीं देखने को मिलेगा पेट्रोल के अंदर। इसके अंदर 4x4 सिस्टम हटा दिया गया, डिफरेंशियल लॉक्स सब चीज़ें हटा दी गई हैं, जिसके इसका वेट भी थोड़ा कम हो चुका है। बात करते हैं अपन इसके वेरियंट्स के बारे में। महिंद्रा थार रियल व्हील ड्राइव के 3 वेरियंट्स आने वाले हैं। AX ऑप्शनल, जो कि है डीजल मैनुअल, जो 9.99 लाख ऑन रोड शोरूम मिलेगा आपको। उसके बाद आता है LX डीजल मैनुअल, जो कि है 10.99 लाख एक्स शोरूम। उसके बाद है LX पेट्रोल ऑटोमेटिक, जो कि आपको 13.49 लाख का देखने को मिलेगा। जो इसकी प्राइस है यार, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, जो आपको करंट थार मिलती है उससे काफ़ी कम है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और जो इसमें टैक्सेस हैं वो भी कम लगने वाले हैं, तो ये ऑन रोड प्राइस भी ज़्यादा नहीं जाएगी, क्योंकि अपनी इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से जो 1.5 लीटर से कम और 1.5 लीटर जो इंजन आता है उस पे टैक्सेस कम लगते हैं, और जो गाड़ी 4 मीटर से छोटी हो। बट जो थार है वो 4 मीटर से छोटी है और इसका जो इंजन साइज़ है वो भी 1.5 लीटर हो चुका है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो इस पर टैक्सेस भी कम लगेंगे, इसमें 28% ही टैक्स लगेगा। पहले इसके ऊपर 50% टैक्स लगते थे, तो इसके जो ऑन रोड प्राइस है वो भी काफ़ी कम रहने वाली है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसकी जो वेटिंग पीरियड है वो भी कम रहेगा 4x4 के हिसाब से, और जो इसकी बुकिंग है वो 14 जनवरी 2023 से चालू होने वाली है। और महिंद्रा क्लेम कर रही है आपको महिंद्रा थार रियल व्हील ड्राइव के अंदर इंट्रोडक्टरी प्राइस देखने को मिल सकता है फर्स्ट 10,000 बुकिंग के ऊपर, जो कि बहुत ही अच्छी बात है इंडियन कस्टमर्स के लिए। और मेरे हिसाब से यार, ये ओवरऑल बहुत ही अच्छा पैकेज हो सकता है जिनको थार चाहिए और जिनको शोबाजी करनी है, जिनको ऑफ रोडिंग से कोई मतलब नहीं है, जिनको सिर्फ अपने पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को जलाना है और थार का मज़ा लेना है कि भाई मेरे पास थार है, एक अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस, अच्छी रोड प्रेजेंट वाली गाड़ी है और फुल शोशेबाजी करनी है, उनके लिए ये गाड़ी एक परफेक्ट पैकेज है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ जाकर इसको लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।